हेलो दोस्तों, एलके गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज हम बीज लगाते हैं सब तरह के। फरवरी का मंथ चल रहा है, कौन कौन से बीज लगेंगे ये भी बताते हैं इस वीडियो में। और ये देखिए, हमने नीम खली फैला ली है और इसमें खाद मिला लिया था हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, उसकी वीडियो नहीं बना पाए थे। ये देखिए बीज दिखा रहे हैं, ये इतने सारे बीज ले गए हैं हम, ये सारे ही लगाने हैं अभी हमने। और कैसे लगाते हैं ये आपको हम बताते हैं आज। ये देखिए, ये सारी 10 तरह के बीज हैं ये। और आज हम मिट्टी भी कैसी है कैसी नहीं, एकदम अच्छी मिट्टी है ये। पहले से ही हमारी ग्रो बैग में भरी हुई थी, जिसमें हमने आलू बोए थे तो वो आलू निकाल लिए गए थे। अभी 8-10 दिन से ऐसी खाली पड़ी थी, इसकी मेड़ बना ली है हमने। अब ये देखिए, इसमें गड्ढा कर रहे हैं और इनमें भिंडी के बीज डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ही आपको भी ऐसे ही लकड़ी की सहायता से या उंगली से ऐसे ही गड्ढा करके और जितना बीज है उतना ही अंदर डालना है। ऐसे ही सारे को बो देंगे आज हम इसमें। अभी हम दूसरे ग्रो बैग में आ गए हैं, इसमें धनिया बोएंगे। ये थोड़ा छोटा है, 3-4 इंची का ये थर्माकोल है। इसमें ये नीम खली फैला ली है, इसको अच्छे से मिला के फिर धनिया डाल देंगे। ये देखिए, इसको मिला लिया, बराबर कर लिया। अब इसमें धनिया फैलाएंगे, धनिया फैला के फिर इसमें थोड़ी ऊपर से मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, और फिर सब में हमने एक साथ पानी डाला था सब में। सब बीज कैसे कैसे लगाने हैं ये सब। दिखा रहे हैं आज हम, कोशिश हमने पूरी करी है कि आज सबके बीज दिखाएं एक ही वीडियो में, कि बार बार वीडियो ना आए। लौकी, तोरई, भिंडी, धनिया, ककड़ी, खरबूजे नहीं, वो खीरा, टिंडे। ये देखिए, ये भी ग्रो बैग है, मेरे खुद के बने हुए ग्रो बैग हैं ये। मैंने पिछले साल बनाए थे, अभी सही चल रहे हैं। कुछ फट गए हैं, उनको मैं चेंज करूंगी, लेकिन जो सही चल रहे हैं उनमें बीज लगा रहे हैं। ये देखिए, ये टिंडे, इनमें टिंडे की बेल लगाई है। ये होगा 6-7 इंची गहरा होगा या 8 इंची होगा। ऐसे ही सब में लगा के रात से बराबर कर दिया है, ऐसे करके उसको। बीज लगाते लगाते हमारे 2-3 दिन हो गए थे हमें। ये देखिए, वो मेरी गाजर, इस ग्रो बैग में अच्छे से गाजर नहीं बैठी थी, छोटी छोटी बैठी हैं, तो इनको आज उखाड़ के नहीं। और ये देखिए, जो मैंने पहले पत्ते पर रखे थे उसमें देखो नीचे कितनी अच्छी खाद निकल रही है, काली काली सी ये खाद निकली हुई है, निकल रही है। लेकिन मैंने खाली नहीं किए ग्रो बैग, ऐसे रहने दिए, बस घोड़ दिए मैंने नीचे तक गुड़ाई करके। अब फिर दोबारा से ये जो गाजर के छिलके हैं इसको अंदर ही डाल दूंगी, गल जाएंगे। ऐसे ही मैंने सारे ग्रो बैग पहले ऐसे ही भरे थे, नीचे सूखी पत्तियां, किचन वेस्ट, गार्डन का वेस्ट ऐसे ही निकलता है, जो
सारे ऐसे नीचे करके फिर ऊपर मिट्टी डाल के सब ऐसे ही भरे हुए थे। अच्छी मिट्टी बन रखी है इनकी अभी, देखिए इसमें लगाएंगे ये आलू बीज वाला, इसको भी दबा दिया ऐसी में ही। अच्छे से सफाई से अच्छे से मिला के बराबर करके ये नीम खली डाल ली, इसको भी मिला लेंगे फिर ऐसे ही। ये देखिए ये बीज आ गया, इसमें है घिया यानी कि लौकी के बीज लगाएंगे। ये देखिए ये मैं देख रही हूँ सीधा लगाया है कि उल्टा सीधा है, ये कई बार उल्टे भी लग जाते हैं कि देख के लगाने पड़ते हैं इन्हें। लगा दिए 5-6 बीज। ये देखिए दूसरा ग्रो बैग कम पड़ गए वो मेरे, तो दूसरे ग्रो बैग में अब इसमें नंबर आ गया, इसमें लगाएंगे हम तोरई की बेल। ये आटे की पन्नी है जो आशीर्वाद आटा आता है हमारे घर पर, उसी की है 10 केजी वाली। अच्छा ग्रो बैग बन जाता है इसका। देखिए ये मैं सूखे पत्ते भर रही हूँ, थोड़ा नीचे सूखे पत्ते डाल लिए थे, अब ये किचन वेस्ट इसी के अंदर डाल दूंगी, फिर थोड़ा सा और सूखे पत्ते डालूंगी ऊपर से, फिर मिट्टी डालूंगी इनको। ये बाद में जब तक बेल होगी तब तक खाद बन जाएगा। अब इसको मिट्टी भर देते हैं, लाइट वेट होता है ऐसे, अच्छे से उठा के कहीं भी रख सकते हैं ऐसे ग्रो बैगों को। देखिएगा आपको मैं उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए देखो ये सारे, अब इनमें सब में यही मिट्टी भर के नहीं नीम खली मिला के और फिर बीज लगा देंगे तोरई का। और दोस्तों मेरे सारे ग्रो बैग हैं जो भी गमले मेरे सारे जुगाड़ू हैं, सब अपने आप से ही फ्री की गार्डन में ही करती हूँ मैं, इसीलिए मुझे सिर्फ बीज लाने पड़ते हैं, खाद भी नहीं लाती मैं खरीद कर, खाद भी मैं गांव से ले आती हूँ। नीम खली वगैरह ये लानी पड़ती है। देखिए लगा दिए तोरे के बीज 5 बीज, इनको अब ढक देंगे ऐसे करके। नहीं ऐसे ही सब में छोटे छोटे ग्रो बैग में एक एक, एक लगाया था। ये देखिए मेरी पानी की टैंकी है, ये इनमें पालक हो रहा है इधर, और इधर थोड़ी सी जगह खाली है, इसी में 3-4 बीज लगा देते हैं। ये तो करेला के हैं, ये नहीं लगाएंगे, कद्दू के लगाएंगे इसमें। ये देखिए कद्दू के, अभी दिन छिपने वाला है तो ये थोड़ा काला काला दिख रहा है, रात होने वाली है, काफी देर से हम लगे पड़े थे। ये देखिए दूसरी टंकी में आ गए हम, ऐसी मैंने 2 टंकी काट के 4 टंकी बना रखी हैं, 2 में तो जगह नहीं थी, 2 में आधी आधी थी, देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब हम यहीं पर काम रोक कर चले जाएंगे और फिर दोबारा कल आएंगे इसमें। ये देखिए इसको रोक दिया जाए, ये देखिए ये दूसरा दिन है आज, ये सुबह के 8 बज रहे हैं। हम आगे फिर से छत पर, ये जनाब हमसे पहले चले आए, गुड़ाई उड़ाई करने लग गए, उसी में नीम खली और खाद मिला के। ये देखिए टमाटर हमारे कितने लाल हो रहे हैं, ये टमाटर तोड़ के मैंने खा भी लिया एक धोकर, देखिए टमाटर देखकर मन नहीं माना, खा लेते हैं सुबह सुबह। ये देखिए अब ये बीज लगाने लग गए, अब इसमें लगेंगे ककड़ी और खीरा के बीज लगाते हैं इसमें। ये देखिए
हमारे यहाँ पर गिलहरी और है, वो बीजों को खा जाती है, बहुत कम निकलने देती है। देखते हैं अब निकलते हैं कि नहीं, आगे रिजल्ट आपको दिखाते हैं, निकला है तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू दोस्तों।